गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केमचो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जब भी कभी आप कोई एग्जाम की तैयारी करते हैं या कोई बड़ी बड़ी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो हमेशा बेटा एक बात याद रखना। क्या याद रखना? वो बात यह है कि आपने बचपन में कभी ना कभी जो है वो सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा। खेला है कि नहीं खेला? है ना, स्नैक एंड लेडर वाला गेम आपने जरूर खेला होगा। उसमें आपने देखा है, उसमें जो है वो कई सारी सीढ़ियां होती हैं, कई सारे सांप बने होते हैं। जब आप अपना जो है वो आपकी बारी आती है, आप पासा फेंकते हैं और जो है जो भी आपका डिजिट निकल के आता है कि 4 आ गया, 3 आ गया, और उतना आप आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी किसी किसी जगह पर आपको सांप मिलता है, ठीक है, और वो डस लेता है, उसकी पूंछ से नीचे उतर आते हैं। आपने कभी गौर किया होगा इस सांप सीढ़ी के गेम में जो है वो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो कहां पर होता है? वो होता है जब आप 90 से लेके 100 के बीच में होते हैं, तो 98 पे या 97 पे या 96 पर एक सांप होता है, बिल्कुल ठीक पहले पहुंचने वाले हैं आप, जीतने वाले, उसके पहले एक सांप होता है और आपने चाल चली, आपने अपना अपना पासा फेंका, आपने 2 आ गया 98 पर पहुंच गए या 99 पहुंच गए, वहां सांप प्रेजेंट था, टिंग आ गए वापस 20 पे, नीचे आ गए, ठीक है, नीचे आ गए वापस से, ठीक है, 20-30 जो वॉट एवर, जहां तक उसकी पूछ पहुंच रही वहां तक पहुंच गए। अब क्या, फिर से उतने घर चलने पड़ेंगे, उतनी जगह फिर से आगे क्रॉस करना पड़ेगा, ऐसा होता है ना। हम सब ने स्नैक एंड लैडर का गेम खेला हुआ है, लेकिन आपको पता है ये जो गेम होते हैं ये भी हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं, इनकी भी अपनी एक साइकोलॉजी होती है। वो सिखाते हैं आपको कि जिंदगी में जीत और हार दोनों हो सकती है। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पासे फेंकना। यदि आपने पासे नहीं फेंके तो नंबर नहीं आएंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो आप 100 वाले उस घर तक जहां पे आपको जीत मिलेगी आप कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। कभी कभी कुछ लोग बहुत तेज चल रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं, लेकिन नहीं पता होता कि 98 पे सांप उनको डस सकता है, नीचे आ सकते हैं, है ना। लाइफ में ऐसा होता है, कई बार हमें लग रहा होता सब कुछ ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अचानक से आप नीचे आते हैं, ड्रैग कर जाते नीचे की ओर आप। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे हैं। इफ यू आर इन द गेम, आप जीतेंगे जरूर, ठीक है, देर सवेर हो सकती है, यदि गेम में हैं आप, खेल रहे हैं आप, तो आप पहुंचेंगे मंजिल तक जरूर आप, ठीक है। लेकिन गेम छोड़ गए तो क्या होगा? तो नहीं पहुंच पाएंगे हम, है ना बेटा। तो याद रखो, हर दिन एक समान नहीं होगा। उस सांप सीढ़ी के 100 खानों को ध्यान से देखना, आप पाओगे कई दिन बड़े अच्छे होंगे, आप इतना अच्छा काम करोगे कि आपको लगेगा कि आप बड़ा मोटिवेटेड फील करोगे और आप आगे बढ़ जाओगे। कई दिन ऐसे होंगे जब आप जो है वो डिप्रेस होके, परेशान होके आप नीचे की तरफ आ जाओगे आप, लेकिन चलते जाना है। इंपॉर्टेंट चीज ये कि पासे फेंकते जाना है, चलते जाना है, तो आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे, है ना। जिंदगी को सिखाता है सांप सीढ़ी का गेम, बहुत बड़ी बात है ये। अपने हमारे आसपास इतनी चीजें बेटा सीखने के लिए कि एक बार हम अपना नजरिया बदल लें उनसे, उसको देखने का, तो हमें बहुत सारी लर्निंग मिलती है, ठीक है। जब हम रोड क्रॉस करते हैं, भीड़ बड़े, ट्रैफिक होता है, इधर से गाड़ी आ रही है, उधर से गाड़ी आ रही है, ट्रैफिक क्रॉस करते हैं और हम जो है वो रुकते रुकाते सावधानी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो ये भी क्या है, ये भी बतलाता है कि जिंदगी में कॉम्पिटिशन कहाँ पर नहीं है, हर जगह कॉम्पिटिशन है। सड़क क्रॉस कर रहे हैं, रेलवे के डब्बे में चढ़ रहे हैं, वहां भी कॉम्पिटिशन है, उतर रहे हैं वहां भी कॉम्पिटिशन है, एवरीवेयर देर इज ह्यूमन बींग, लोग होंगे, वहां कॉम्पिटिशन होगा। कॉम्पिटिशन में जब आप आगे रहेंगे, जीतेंगे आप, तो ही आपको लोग जानेंगे। अब आप सोचो कि एक मान लो भारत के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, इतने पॉपुलर व्यक्ति, दुनिया में कहीं, अपने इंडिया में कहीं भी जाएंगे, दुनिया में कहीं भी जाएंगे, लोग बोलेंगे भैया भारत के प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, के भीड़ भड़क का तमाम जगह। अब इनको उठा के आप भेज दो कहां पर, जंगल में, कोई ना हो। जैसे जैसे लोग आएंगे और बोलेंगे भैया तुम घने जंगल में अंदर जाइए, अमेजॉन के फॉरेस्ट में जाइए आप, अब आपके आपकी सारी सिक्योरिटी बाहर, सब बाहर, अब अंदर सोचो आप भारत के प्राइम मिनिस्टर अंदर जा रहे हैं जंगल में, ठीक है, कोई नहीं है वहां पे, अकेले वही है, आसपास कोई नहीं है, तो किसको जाके बताएंगे वो? फूल पत्ती को कि पत्तिया मित्रों सुनो, हम भारत के प्रधानमंत्री है, तो कौन, मतलब क्या क्या? चिड़ियाओं को, अरे चिड़िया रुको रुको रुको, हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, क्या वो सुनेगी? नहीं सुनेगी। क्या पेड़ पत्तियों को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मतलब हमारी हमारी जो पहचान है ना, वो इंसानों के कारण ही है, हमारे समाज के कारण ही है। आप एक बार समाज से बाहर निकल के जंगल में जाके देखिए, कौन पहचानता है, किसको फर्क पड़ता है कि आप प्रधानमंत्री हैं या नहीं है, आप इंसान हैं, यही इंपॉर्टेंट चीज है बस।
ठीक है, आइसोलेशन में, आइसोलेटेड कंडीशन में आपका वैल्यू क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम जो भी हमारे समाज में हमारी वैल्यू कब बनेगी, हमारे समाज में हमारी वैल्यू तब बनेगी जब हम समाज के लिए कुछ बेहतर काम करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री कोई भी हो, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, कोई भी हो, तो जितने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों जब माने जाते हैं, को कारण ये कि वो करोड़ों लोगों की पॉपुलेशन की टेक केयर करते हैं, पॉलिटिकल ग्राफ में ऊपर बढ़ते हो वहां तक पहुंचे हैं वो लोग। आपके यूपी में योगी जी, मध्य प्रदेश में मामा जी, ठीक है ना, अलग अलग जगह पर अलग अलग लोग हैं। मतलब पॉइंट इज दैट कि आपको सोसाइटी के लिए कुछ करना पड़ेगा तभी समाज आपको जो है पहचानेगा, नहीं तो आप जंगल में जाके देख लो सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। भीड़ में आओगे लोग पहचानना चाहिए, आप भीड़ का कारण है या भीड़ के हिस्सा है ये आप पर निर्भर करता है। मैं वही कहता हूं कि लाइफ में पासे फेंकना जरूरी है, यानी आप अपनी गोटियां चलते रहे, आप गोटी चलने का मतलब है या आगे बढ़ते रहे। आप किसी के खिलाफ बुरा करने की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं आपको आगे बढ़ते जाना है, जीत मिले या हार मिले, चाहे सांप मिले चाहे लेडर मिले, घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, एक दिन जीत जाएंगे, है ना। हर चीज कुछ सिखाती बेटा, सीखना जरूरी है जीतने के लिए। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।